तेल और गैस में दिन प्रतिदिन हो रही बढ़ोतरी के विरोध में झांसी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। झांसी के लाइट चौराहे पर भारतीय युवा कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई, बढ़ते तेल के दाम और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। कृषि बिल का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार सोई हुई है, ये सरकार किसान विरोधी है। गौरव जैन, किस बात का प्रदर्शन है? जो निरंतर तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, जहाँ क्रूड ऑयल की दाम जो कीमत है वो न्यूनतम स्तर पर है, वहीं पर आज जो तेल है उसके शतक लगा दिया। 50% जो सेस है वो सेंट्रल सरकार का है। हमारी मांग है, जब इस समय पे जब किसान तड़प रहा है, 200 से ज़्यादा किसान जान दे चुके हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, उनके खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, तो महंगाई की मार तेल के माध्यम से जो बढ़ रही है उसको कम करा जाए, उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। जो सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है उसको हम याद दिलाएंगे और उसको सामने लाएंगे, यही हमारा मकसद है। झांसी से शिवांगी प्रसाद के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।